सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है मिस्टर क्रिएटिव थिंकर, और इस चैनल के ऊपर मेरा ये पहला व्लॉग वीडियो है। तो पहला ही नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी के अंदर मैंने पहला व्लॉग शूट किया, तो हो सकता है इसमें कुछ गलती हो जाए, तो प्लीज उसको इग्नोर करना। मैं गया था सराय काले खां दिल्ली के अंदर, और वहाँ पे एक पार्क है जिसका नाम है वेस्ट ऑफ अंडर, तो वहाँ के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। वहाँ पे हमारे जो दुनिया के अंदर 7 अजूबे हैं, उन अजूबों के स्ट्रक्चर बना रखे हैं, मतलब उनकी कॉपी बना रखी है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, दिल्ली के अंदर सराय काले ये पार्क है, एंट्री फीस इसकी 50 रुपीज है, और ये रात को 10 बजे तक खुलता है। और सुनने में ये आया कि रात में ज्यादा अच्छा लगता है ये अकॉर्डिंग टू डे, ठीक है, क्योंकि लाइट वगैरह जल जाती है बेटे। हाँ जी है, तो वही ये इस पार्क का एंट्रेंस है। लेकिन एंट्रेंस जाने से पहले राइट की तरफ वहां पे आपको लेने पड़ेंगे टिकट, और वहां से टिकट लेने के बाद इस एंट्रेंस की तरफ आने के बाद इधर भाई के पास से टिकट लेके यहाँ से एंट्री हो जाएगी आपके अंदर। तो गाइज, ये मिस्र के पिरामिड का स्ट्रक्चर का कॉपी है, जिस तरीके से वो बना हुआ है इस तरीके से इन्होंने बनाया, और ये सब वेस्ट है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये एंगल होती है ना लोहे की, उनको जोड़ के वेल्ड करके इन्होंने बना रखा है, और बहुत अच्छे तरीके से वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है इसमें। ये आप देख सकते हो काफी ऊंचा है, 30-40 फीट के आसपास की इसकी ऊंचाई होगी। अभी आप देख सकते हो ये पीसा का मीनार का कॉपी बना रखा है, ये ज्यादा बढ़िया बना रखा है, ठीक है। इसको मैं दिखा देता हूँ, जिस तरीके पीसा का मीनार जो है झुका हुआ है ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी है। ये है एफिल टावर का स्ट्रक्चर बना रखा है, सब कबाड़ से बना हुआ है। टोटल वेस्ट मटेरियल, ये देख सकते हो ये नया नहीं है, सब जोड़ जाड़ लगा हुआ पीस है ये सब। तो गाइस, ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल है, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं लगा हुआ है। जैसे ब्रिज वगैरह टूट जाते हैं ना, तो उसके टूटे हुए जो पार्ट होते हैं उनको ही वेल्ड करके बनाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ पार्ट इसके इसी तरीके के हैं, और इस तरीके से सब कबाड़ है, सब स्क्रैप है टोटल, और उससे ही यहाँ पे अलग अलग जो वंडर्स हैं हमारे यहाँ 7 वर्ल्ड में, उनको ही उनके स्ट्रक्चर बना दिए हैं। तो चलो नेक्स्ट जगह के ऊपर चलते हैं। अभी जो आपको दिख रहा होगा वो है रोमन क्लाउड, आई थिंक सो, अगर मैं सही हूँ तो, जो रोम में स्थित है, और ये एक तरीके का खाड़ा था। गाइस, तो अभी जो आप चीज देखने वाले हो वो अजूबा दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ग्रेट महान है, और वो है अपने इंडिया के अंदर ही, और वो है ताजमहल। तो गाइस, सबसे ज्यादा, जैसा कि उम्मीद थी मुझे, सबसे ज्यादा भीड़ ताजमहल के करीब ही मिलेगी, और वो उसी तरीके से आप देख सकते हो कि पीछे मजमा लगा पड़ा इसे देखने के लिए, और बहुत बढ़िया मॉन्यूमेंट बना रखा है। सो गाइस, इस स्टैचू के बारे में जहां तक मेरी नॉलेज है, ये ब्राजील के अंदर है, और दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टैचू है, और जीसस क्राइस्ट का ये स्टैचू बना हुआ है, और नाम मुझे इसका पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में सेक्शन में
लिख के जरूर बताएं। दिल्ली के अंदर सराय काले खां पे ये पार्क है, एंट्री फीस इसकी 50 रुपीज़ है और ये रात को 10 बजे तक खुलता है। और सुनने में ये आया है कि रात में ज्यादा अच्छा लगता है ये अकॉर्डिंग टू डे, ठीक है, क्योंकि लाइट वगैरह जल जाती है बेटे। हाँ जी है, तो वही तो कुछ इस तरीके का है। अभी हम आ गए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे, ये अमेरिका के अमेरिका में है। तो गाइस यहाँ पे देखो इतने बेहतरीन बेहतरीन तरीके से बना रखे हैं। अगर आप अपने बच्चों को लेके आओगे ना यहाँ पे तो बच्चे तो खुश हो जाने एकदम, मतलब ये है कि आपका अच्छे से टाइम गुजर जाएगा। अच्छी जगह है, काफी लोग आते हैं, जैसा आप देख सकते हो, दिल्ली नगर निगम उद्यान विभाग, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और ये बड़ी खूबसूरत जगह है यार, अरे वाह। कैसी लगी है इधर जगह? जगह ठीक है और ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। एक दिन में आप 2 जगह एक्सप्लोर कर सकते हो दिल्ली में। अगर आपको 1 घंटे में आप पूरा घूम लोगे, फोटो वोटो जो भी खींचने खींच सकते हो। और बस एड्रेस बता दो, कैसे कैसे आने का एड्रेस है, डिपेंड करता है आप कैसे आ रहे हैं। आपके पास गाड़ी है दिल्ली में, सराय काले खां का जो बस स्टैंड है बस उसके पास ही है, कोई भी बता देगा आपको, दिख भी जाएगा इनफैक्ट आईफिल टावर बाहर से। सो गाइज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, माइक चल रहा है, मैं सोच रहा था माइक तो बंद हो गया। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, गर्मी लग रही है, पसीना आप देख ही सकते हो। यहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था है, थोड़ा सा लास्ट की तरफ आके यहाँ पीछे आप देख सकते हो कैंटीन है। सो गाइज इस पार्क को एक सर्कल में डिज़ाइन किया गया है, यानी जितने भी मॉन्यूमेंट ये स्ट्रक्चर बना रखे हैं ये एक सर्कल में है। इनको देखते हुए जब आप आओगे तो रिटर्न में आप वापस पिरामिड के पास ही आ जाओगे। यहाँ लेफ्ट साइड से ही एंट्रेंस था और लेफ्ट साइड से ही एग्जिट है, तो वापस हम पिरामिड के पास ही आ गए, यानी एंड हो चुका है हमारा। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।